एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आज का वीडियो होने वाला है डार्क स्पॉट्स एंड ब्राउन स्पॉट्स के लिए। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर भी किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है या किसी भी तरह के निशान हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसको कंटिन्यू यूज करने से इजिली और सेफली आप अपने डार्क स्पॉट्स से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपको क्या करना है। ये काम आपको रोजाना करना होगा और इसके इस्तेमाल से बिना किसी नुकसान के आप अपने डार्क स्पॉट्स को लाइटन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने चेहरे पर कोई क्रीम या कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम यूज करते हैं या फिर ज्यादा केमिकल वाली क्रीम यूज करते हैं, तो उससे आपके डार्क स्पॉट्स तो लाइटन हो जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, उससे भी ज्यादा नुकसान होता है आपको और काफी ज्यादा रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इजी एंड वेरी सेफ रेमेडी जो कि इजिली आप अपने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर बना सकते हैं। सो फर्स्ट यू नीड पोटैटो। पोटैटो के बारे में आपने सुना ही होगा, डार्क स्पॉट्स के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हो, ब्राउन स्पॉट हो या फिर आपके चेहरे पर किसी भी तरह के चोट लगने के बाद निशान रह जाता है, उसको भी ये लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आलू को अच्छे से पील ऑफ करने के बाद इसको ग्रेट करें। ग्रेट करने के बाद भी आपको एक प्रोसेस और करना होगा। सो फर्स्टली आप इसको पहले अच्छे से पील ऑफ करें, वॉश करें, उसके बाद आप इसको ग्रेट कर लें। और ग्रेट करने के बाद आप इसको किसी क्रशर के अंदर डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लें। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा छोटा काट कर पीस करके आप इसको डायरेक्टली ब्लेंडर जार में डाल दें और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लें। मैंने इसको अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसलिए पीस लिया है क्योंकि हमें इसमें फिर पानी की जरूरत नहीं होगी। बिना पानी के भी ही हम अपना प्योर पोटैटो पेस्ट बना सकते हैं। सो आलू का पेस्ट रेडी है, इसको एक बॉल के अंदर निकाल लीजिए। उसके बाद गाइस, हमें चाहिए एलोवेरा। मैंने ये पपाया जेल यूज़ किया है। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट बनाता है, काफ़ी ज़्यादा रिंकल फ्री बनाने में हेल्प करता है। 1 स्पून ऐड करें इसके अंदर हनी। शहद आपके डल और अनब्राइट कॉम्प्लेक्शन को हनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज ऑरेंज पील पाउडर। संतरे के छिलकों के पाउडर के अंदर विटामिन सी है जो कि आपके चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसको भी आप 1 से 1.5 चम्मच मिक्स करें इसमें और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को प्रॉपर मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इस थिक पेस्ट को आप चाहे तो अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर जहां पर डार्क स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स का इशू है वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फुली अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो पूरे चेहरे पर आपको काफ़ी अच्छा निखार देखने को मिलेगा। इसको रात में यूज़ करें और रेगुलरली इसको यूज़ करें जब तक आपके चेहरे से ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। सो मस्ट यू ट्राई दिस इजी एंड सेफ रेमेडी टू गेट ब्यूटीफुल स्पॉटलेस एंड ग्लोइंग स्किन। सो आई होप यू लाइक ऑल्सो दिस वीडियो। सो प्लीज़ हिट द बटन ऑफ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।